Good morning everyone. Let us continue Evans Treason O level. The invigilator McClary too was searched so that he didn't have anything that Evans could use to attack him in an attempt to escape. Having done so, they found that the person McClary had a semi-inflated rubber tube in his briefcase. On inquiring the reason for which the tube was brought, the person replied it was a cure for his extremely painful disease of piles. Having made a decent person disclose a secret, the two officers felt embarrassed. So what happened? That the McClary, who is the invigilator, who has come to invigilate Evans for his O-level exam, as an invigilator, na, examiner, jab aata hai uske liye, to usko bhi search kiya jata hai, jo do officers hote hain, uske prison officers, स्टेफेंसन एंड जैक्सन जो हैं वो दोनों उसका भी पूरा सर्च करते हैं, उसको पूरा देखा जाता है कि कहीं उसके पास तो कोई कोड वर्ड या कोई चिट नहीं है इवांस को भगाने के लिए. ओके, तो मैक्लरी के पास एक जो ब्रीफकेस होता है उसको सर्च किया जाता है, चेक किया जाता है कि उसके अंदर कुछ है तो नहीं, कुछ ऐसा जिससे कि उसको भागने में हेल्प मिले. ओके, इवांस कुड यूज़ टू अटैक हिम एंड अटैम्प्ट टू अटैक ओके और एस्केप, कि वहाँ किसी पे उस ब्रीफ केस में ऐसा कुछ नहीं हो जिससे वो किसी पे अटैक कर दे किसी चीज़ से, या वहाँ से उसको भागने में किसी भी तरह से हेल्प मिले. ओके, तो जब वो सर्च करते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्रीफ केस में एक रबर ट्यूब होता है. और जब उसके बारे में पूछा जाता है कि व्हाई ही ब्रॉट दिस रबर ट्यूब, व्हाट्स द यूज़ ऑफ दिस रबर ट्यूब इन दिस एग्ज़ाम, ओके, सो ही आंसर्ड दैट ही रिप्लाइड that this person that it was a cure for his extremely painful disease of piles. So it is rubber tube is helpful in sitting on that tube and so that it's not painful. So okay, so ek tarah ki disease hoti hai usko, iske liye rubber tube ki help se wo us par baithte hain to usne problem nahi hoti hai, so that that's why he bring the this rubber tube. The exam began. Now finally exam start ho chuka hai Evans ka. स्टेफन जो कि प्रिजनर ऑफिसर हैं, एवरी नाउ एंड देन पिप्ड इन टू द सेल, वो बार बार आकर राउंड लेते हैं. पिप्ड इन टू मीन्स लुकड इन टू दी सेल मीन्स प्रिजन, जहाँ इवेंट्स को कैद करके रखा है, बंद करके, उसमें बार बार उसको देखा जाता है, चेक किया जाता है कि एग्ज़ाम ठीक से चल रहा है या नहीं, या कोई भी चिटिंग तो नहीं हो रही है, या वॉट एवर कि वो भागने की प्लानिंग तो नहीं हो रही है. ओके, सो द एग्ज़ाम वेंट ऑन स्मूथली, एग्ज़ाम बिगिन इन फुल स्विंग, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. द इन्विजिलेटर McClary रिमेन रीडिंग हिज मैगजीन, और वहाँ पे की जो कि इनके इन्विजिलेटर थे मिस्टर McClary, वो अपना एक मैगजीन पढ़ने में बिजी हो जाते हैं जब वो अपना एग्ज़ाम दे रहा है इवान. एंड स्टेफेंसन वेंट अप एंड डाउन द कॉरिडोर, वहीं ये जो है प्रिजन ऑफिसर स्टेफेंसन वो राउंड लगा रहे हैं ऊपर से नीचे तक. एंड द गवर्नर हिमसेल्फ लिसन टू द लाउड स्पीकर दैट कॉट कन्वर्सेशन फ्रॉम इवान सेल, एंड जैक्सन कैप्ट अ वॉच ऑफ ऑल द रेस्ट. जैक्सन जो कि उनसे सीनियर हैं वो इन सब पे नज़र रखे हुए हैं, और स्टेफेंसन जो है वो इवांस और McClary पर नज़र रखे हुए हैं. एंड गवर्नर जो है वो अपने रूम में बैठ कर ही उन्होंने जो कैमराज वगैरह और स्पीकर वगैरह जो उन्होंने फिट करवाया था उसके अकॉर्डिंग उसके हेल्प से वो सुनते हैं कि वहाँ पर उन सब के बीच में आपस में कैसा क्या कन्वर्जेशन होता है या वो क्या बात करते हैं. ओके, सो द गवर्नर रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर दैट देयर वॉज अ करेक्शन स्लिप. तभी अचानक क्या होता है, अब यहाँ से आपको ये समझना है कि इवांस की ये प्लानिंग शुरू हो चुकी है. ओके, वहाँ से भागने की क्या होता है कि गवर्नर के पास एक एग्जामिनेशन सेंटर से एक फेक कॉल आता है और कि उस क्वेश्चन पेपर जो इवांस को के पास गया है वो लेवल का, उसमें कुछ करेक्शन है और उसके लिए स्लिप भेजी जा रही है एग्जामिनेशन सेंटर से. ओके, अब ये स्लिप में कुछ लिखा होगा इन कोड वर्ड, वो कोई भी ऐसा कोई करेक्शन नहीं है. ओके, वो सिर्फ उसके लिए एक हिंट है, एक इशारा है कि उसको किस होटल में किस रूम में उसको यहाँ से भागने के बाद जाना है. ओके, सो द गवर्नर डायल द नंबर टू चेक बट गॉट द एंगेज टोन ऑन द अदर साइड एंड द गवर्नर एज्यूम दैट ही वाज ओवर रिएक्टिंग. अब गवर्नर जो है वो एक बार डाउट होता है उन्हें कि ये सब क्या है, एंड वो कन्फर्म करना चाहते हैं कॉल करके एग्जामिनेशन सेंटर पर, बट नो वन इज़ रिसीविंग द कॉल. एंड लेकिन गवर्नर को फिर लगता है कि शायद वो कुछ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इवांस ऐसा कुछ नहीं करेगा इस बार. ओके, सो वो जो है स्लिप जो आती है उसके लिए उसको इवांस तक पहुंचा दिया जाता है करेक्शन स्लिप. द इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्टेड इवांस टू एंटर द इंडेक्स नंबर 313 एंड सेंटर नंबर 271 ऑन द शीट एंड बिगिन द टेस्ट.
अब यहाँ पे इन्विजिलेटर जो मैकलेरी हैं, जब उनके पास करेक्शन स्लिप जाती है और इन्विजिलेटर जब उनको करेक्शन करवाते हैं उनके पेपर में, तो उसमें ये जो कुछ कोड ये लिखा होता है इंडेक्स नंबर एंड सेंटर नंबर, ये कोई इंडेक्स नंबर और सेंटर नंबर नहीं है, ये सारा उनके लिए कोड वर्ड है कि होटल का जो रूम नंबर है एंड होटल का जो भी है वॉट एवर, ये कोड वर्ड में इनके पास ही आता है। और फिर इस तरह से वो टेस्ट देना शुरू करते हैं। आफ्टर द एग्जामिनेशन मैकलेरी लेफ्ट एंड बींग एस्कॉर्टेड आउट बाय स्टेफेंसन, हु नोटेड दैट मैकलेरी रिप्लाइड टू हिज इंक्वायरी इन अ मोर प्रोनाउंस्ड स्कॉट्स एसेंट। व्हेन ही रिटर्न टू चेक ऑन इवांस, ही सॉ हिम इन द इन्विजिलेटर। अब यहाँ पे अचानक क्या होता है, कुछ इंसिडेंट होता है कि जब वो चिट मिलने के बाद मैकलेरी को जो है इवांस वो अटैक करके इंक्वायरी करके उसको हर्ट करता है, और उसकी जगह पे जब प्रिजन ऑफिसर जब स्टेफेंसन जो है वो राउंड ले पे आते हैं, तो इवांस जो है वो उनका गेटअप लेकर वो हैट वगैरह लगाकर जस्ट लाइक अ मैकलेरी बाउल हैट एंड लॉन्ग कोट और इस तरह से वो पहन कर उल्टा मुँह करके बैठ जाता है, जिससे कि ऑफिसर्स को भी लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है और इन्विजिलेटर यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसका इवांस का ध्यान रख रहे हैं। ओके, सो ही सॉ हिम इन द इन्विजिलेटर, मीन्स एक्चुअली इवांस होता है वो इन्विजिलेटर के फॉर्म में, कौन है इवांस। ओके, सो स्प्राउल्ड एंड ब्लीडिंग, ही अज्यूम दैट इवांस हैड अटैक्ड मैकलेरी, ही अज्यूम्ड दैट इवांस, और उसको प्रिजन ऑफिसर को लगता है कि इवान ने मैकलेरी को अटैक किया है एंड एस्केप डिस्गाइजिंग एज हिम एंड ही इन्फॉर्म द गवर्नर। ये सारा सीन देखकर जेल का इंजरी देखकर और इवांस पे डाउट होता है और वो जल्दी से जल्दी गवर्नर को इन्फॉर्म करते हैं इस सारे सीन को लेकर। अब नेक्स्ट क्या होगा, क्या इवांस वहाँ से भागने में सक्सेसफुल होगा, या मैकलेरी को जो चोट लगी है वो इवांस ने अटैक किया है, उसको कोड वर्ड में क्या मिला है, वो भाग कर कहाँ जाएगा वहाँ से, वी विल कंटिन्यू इन आर नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।